सावित्रीबाई फूले योजना के तहत आज हम लोग उन्हें पूरे राज्य में 8 लाख के लगभग बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ दिया है। और योजना पहले हम लोगों ने दो बेटियों के लिए बनाया था, लेकिन अब घर में 2, 3, 4 भी बेटी रहेगी तो सबको सावित्रीबाई फूले योजना हम देंगे। अब उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा गांव का लोग इतना गरीब बूढ़ा, इतना लोग थका पिटा है बेचारा कि अपना बाल बच्चा लोग का बोझ भी नहीं उठा पाता। बेटियां जितने भी हैं वो सब 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ती नहीं है कि उसके लिए लोग दूल्हा ढूंढने लगता। हम उन माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे, अब बेटी बोझ नहीं होगी। और इसीलिए हमने ये योजना लाया है, और जितने भी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बच्ची है सबको हम सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ेंगे। और 12वीं पास करने के बाद आगे का पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी, ये हमने आपके लिए कहा। तो इसलिए बेटी को अब स्कूल छोड़ाने का जरूरत नहीं है, अभी हम उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 स्कूल को हम लोगों ने चालू किया है, आगे जाकर के इसकी संख्या 5000 होना है, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर की पढ़ाई होगी, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक लोग भी वहां पर अपना योगदान देंगे। इसी तरीके से 10वीं 11वीं 12वीं पास कर रही है या कर रहा है जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे सभी को एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम दे रहे हैं। और वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिन बच्चों के पास होगा, आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है। आप डॉक्टर पढ़ने के लिए, इंजीनियर पढ़ने के लिए, वकील पढ़ने के लिए, पत्रकार बनने के लिए हमारे बच्चों को अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया भी खर्चा होगा तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। कहने के लिए शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसमें हम आपको प्राकृत राशि 3,95,988 5,022 स्वच्छता विभाग की योजना है, सांकेतिक रूप से सब आगे आए और इस परिसंपत्ति वित्त मंडल दुलर हाजदा दान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच सावित्री भाई फूले राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा के लाभों सेखावत अंसारी तैपन पड्डा निबुलाल मुर्मू ग्राम प्रधान भी और इसके बाद वाहन ट्रैक्टर की मरांडी सुपौल मरांडी 64,000 रुपए की राशि की 67,200 रुपए की राशि आपको ये राशि का सांकेतिक चेक प्रदान योजना के अंतर्गत प्रति माह एक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। ईश्वर हेमराम पेटसार जरमुंडी से 49,000 जोरदार तालियां होनी चाहिए 75,000 रुपए की राशि आप उनको सम्मान स्वरूप ये स्मृति जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। मेरा अगला आग्रह होगा बहुत अच्छा है बस के सरकारी योजना के तहत है एक इसका गाड़ी है चला लेते हो? हाँ सर चला देते सर। कितना सब्सिडी मिला बाबू? 40%।